कोरिया थाना अंतर्गत ग्राम पलवा में कुछ दिन पूर्व प्रकाश पिता शंकरलाल निवासी पलवा सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली थी और परिजनों द्वारा इंगोरिया पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा जांच की विवेचना कर रहे एएसआई संजय माथुर द्वारा बताया गया कि मृतक प्रकाश पिता शंकरलाल आरोपी सुधीर तेली, दिलीप तेली, शुभम तेली, खरसोद खुर्द और प्रकाश जाट निवासी सिमलाविदा के साथ पैसों का लेन देन करता था और उसने जमीन बेचकर पूरे पैसे आरोपी गनों को दे दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई और उस पर ब्याज देने का दबाव बनाते थे, जिसके चलते दबाव में आकर प्रकाश पिता शंकरलाल ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ 306/34 में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की गई, जिनमें से इंगोरिया पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इसमें थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एएसआई संजय माथुर, प्रधान आरक्षक कैलाश चौहान आदि की अहम भूमिका रही। देखिए, थाना पर जहर खाकर खाने की सूचना मिली थी, जिस पर से पुलिस टीम वहां पहुंची। जो प्रकाश पिता शंकरलाल जाति माली पलवा के द्वारा सल्फा खाकर आत्महत्या की गई, संपूर्ण मर्द जांच से अपराध थाने पर अपराध क्रमांक धारा 240 306/34 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी सुनील तेली, दिलीप तेली, शुभम तेली तथा प्रकाश जाट निवासी सिमलावदा की जो के फरार चल रहे थे, जिनकी काफ़ी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय के निर्देश अनुसार उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर अथक प्रयासों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी न्यायालय बड़नगर पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भेजा गया है। एक आरोपी इसमें फरार है, उसकी भी तलाश संभावित स्थानों पर नजरपुर, घटिया, तराना आदि क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर की जा रही है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा नाम बालाराम है। मैं आर्मी मेडिकल कोर सेना में कार्यरत हूँ, दिल्ली में पोस्टेड हूँ और मेरा भाई प्रकाश पिता शंकरलाल जो सुनील तेली, दिलीप तेली और सुनील तेली और प्रकाश जाट से कुछ पैसे लेन देन करता था, उसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाला और ज़मीन बेचने के बाद उन लोगों को पैसे पूरे देने के बाद भी उन लोगों ने उस पर मारपीट का दबाव डाला और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। कि आप क्या चाहते हैं? आप जी, हम यही चाहते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छे उनको सजा हो या जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो वो की जाए। पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की? पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है और अच्छा सपोर्ट किया गया।